हाय फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा डिजाइन है ये। इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर पर, कैप पे, शॉल पे, मफलर पे, फ्रॉक पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए देखिए इस डिजाइन में पहले से दो सलाई बुन रखी हूँ, एक सलाई सीधे की तरफ से, एक सलाई उल्टे की तरफ से। तो अब तीसरा सलाई से शुरू करेंगे। दो सलाई उल्टा इसलिए बुननी थी कि उल्टा सीधा बुनना था, इसमें कोई डिजाइन नहीं निकलना था, इसलिए पहले ही बुन ली। तो दो सलाई बुन रखी हूँ, अब यहाँ से तीसरा सलाई शुरू करेंगे। तीसरा सलाई इस तरह से बनाएंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, इन दो फंदा को लेकर एक करेंगे, फिर दो फंदा को लेकर एक करेंगे। अब यहाँ पर धागा अपने तरफ, एक जाली एक फंदा सीधा, एक जाली एक फंदा सीधा, एक जाली एक फंदा सीधा, तो तीन हो गया। अब चौथा हम इस तरह बनाएंगे, दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे। दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया। फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर दो को एक करेंगे, फिर दो को एक करेंगे। अब यहां पर हम जाली देंगे, एक दो तीन, चौथा जाली। फिर हम दो को एक करेंगे, चौथा जाली देंगे इस तरह से। फिर दो को एक करेंगे, एक फंदा यहाँ कम आ गया है तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको लेकर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। और ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो चार कंप्लीट हो गया उल्टा उल्टा बुन के, पूरा रो उल्टा बुन लिए। अब रो पांच, पांचवा रो सीधे की तरफ। अब यहां पर एक फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे, फिर दो को एक करेंगे। अब यहां पर धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार, चौथा जाली। फिर दो को एक करेंगे और चौथा जाली देंगे। फिर हम दो को एक करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है ये और बहुत प्यारा लगता है। और अब यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम दो को एक करेंगे, फिर दो को एक करेंगे। अब यहां पर जाली देंगे, एक दो तीन, तीन जाली हो गया, तीन फंदा सीधा, तीन जाली। अब यहां पर चौथा जाली हम दो को एक करेंगे और चौथा जाली देंगे। फिर दो को एक करेंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये लास्ट का है तो इसको भी सीधा बुन लेंगे। अब रो छे, छठा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड से जब भी हम आएंगे पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो छे कंप्लीट हो गया उल्टा उल्टा बुन के। अब रो सात, सातवां रो सीधे की तरफ। अब यहां पर देखिए, एक फंदा सीधा। अब यहां पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब फिर देखिए, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अभी इस फंदा में हम जाली देंगे, एक फंदा सीधा एक जाली। फिर यहां पर एक जाली एक फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब फिर हम यहां पर दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा,
फिर दो को एक करेंगे और फिर देखिए एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब यहां पर हम जाली देंगे, इस फंदा में जाली देंगे, एक जाली और, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी हम सीधा बुनेंगे। रो सात कंप्लीट हो गया, अब रो आठ, आठवां रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो आठ कंप्लीट हो गया उल्टा उल्टा बुन के, अब रो नौ, रो नौ सीधे की तरफ से, अब पूरा रो हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। रो नौ कंप्लीट हो गया सीधा सीधा बुन के, अब रो दस, दसवां रो फिर हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे पूरा रो। रो दस कंप्लीट हो गया उल्टा उल्टा बुन के, ये दस रो का डिजाइन है, डिजाइन भी कंप्लीट हो गया, दस रो का डिजाइन है। और ये डिजाइन देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदा का डिजाइन है और दस रो का डिजाइन है, बारह फंदा और दस रो में ये कंप्लीट हो जाता है डिजाइन। तो अब दूसरा डिजाइन निकालने के लिए फिर हम इस तरह से एक उल्टा बुनेंगे, पहले इस तरह से पहले हम उल्टा उल्टा बुनेंगे पूरा रो, इसी तरह से बुन के पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये डिजाइन इस तरह से बनेगा। अब जैसे उल्टा उल्टा बुन लिया, अब यहां से फिर हम इस तरह से बनाएंगे आगे के डिजाइन, इस तरह से फिर बनाएंगे तो बन के ये इस तरह से आएगा। देखिए बार बार हम रिपीट करेंगे इसी तरह तो बन के ये डिजाइन इस तरह से आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप सभी को कैसा लगा ये डिज़ाइन, और स्वस्थ रहें खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिज़ाइन लेकर आप सभी के साथ।